हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने कंप्यूटर के बैच के लिए जो आपका स्पेशल चल रहा है यूपीएसआई और एएसआई के लिए। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो नंबर 5 है और यहाँ पर आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मज़ेदार होने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ बाकी बच्चों को भी जोड़िए, इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विंडोज एनटी में एनटी से क्या तात्पर्य है? जो विंडोज एनटी होता है उसमें एनटी का क्या मतलब होता है, उसका जो फुल फॉर्म है एनटी का वो आपसे पूछ रहा है। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, विंडोज एम ई में एम ई से क्या शब्द बनता है? जो एम ई का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि एम ई का फुल फॉर्म क्या है, तो एम ई का फुल फॉर्म क्या है? मिलेनियम एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट, विंडोज एक्सपी किस वर्ष में रिलीज हुआ? जो विंडोज एक्सपी है वो किस वर्ष में रिलीज हुआ है वो आपको बताना है, 2000 में, 1998 में, 1999 में या फिर 2001 में। तो ये कब हुआ था? 2001 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, विंडोज 98, विंडोज 95 और विंडोज एनटी किस नाम से जाने जाते हैं? इनको हम किस और नाम से जानते हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि इनको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि आप विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज एक्सपी से बदल रहे हैं तो आप कर रहे हैं, अगर आपके उसमें विंडोज कौन सा है 98 है और उसको आप एक्सपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको अपडेट कर रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं, पैच कर रहे हैं या फिर अपग्रेड कर रहे हैं या पुल डाउन कर रहे हैं? तो आप क्या कर रहे हैं? उसको अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विंडोज 10 किस वर्ष में रिलीज हुआ था? विंडोज 10 बताना है आपको किस वर्ष में रिलीज हुआ था, तो ये आपका 2015 में रिलीज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जितनी भी सीरीज आप लोगों की चल रही है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोगों के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आने हैं और अभी तक आते भी रहे हैं। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना आए जो आप क्या करें, मिस कर दें। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चंस देखिएगा, उनको पढ़िएगा और अपने आंसर्स देने की कोशिश कीजिएगा कि आप कितने आंसर्स ठीक दे पा रहे हैं और कितने आप गलत दे रहे हैं अभी भी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि स्क्रीन के बैकग्राउंड को आप किस नाम से जानते हैं, तो स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है उसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विंडोज में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन जो खुलती है उसको क्या कहते हैं? जब आप विंडो ओपन करते हैं तो कंप्यूटर पे आपको पहली जो स्क्रीन दिखाई देती है उसको आप क्या कहते हैं? उसको भी हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप स्क्रीन या डेस्कटॉप एरिया होता है ना, उसको क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। नेक्स्ट, डेस्कटॉप पर जो छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट होते हैं वे कहलाते हैं। जो डेस्कटॉप पर छोटे छोटे से आप लोग के ऑब्जेक्ट्स या पिक्चर्स आप लोग को दिखती हैं वो क्या कहलाती हैं? ठीक है, आइकन, लिस्ट व्यू, फाइल मेन्यू, टास्क बार, क्या कहलाते हैं वो? आपके आइकन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एप्लीकेशन तथा डॉक्यूमेंट को विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स को? चिन्हों के द्वारा, लेबल के द्वारा, ग्राफ के द्वारा, आइकन के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या है, किसके द्वारा? आइकन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, डेस्कटॉप पर एक आइकन है जो उपयोगकर्ता को किसी प्रोग्राम या फाइल तक तुरंत एक्सेस प्रदान करता है, वो कौन सा आइकन है वो आपको बताना है? कर्नेल, बफर, शॉर्टकट या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा है वो? शॉर्टकट। नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर पर फाइल, फोल्डर और ड्राइव दर्शाता है एवं फाइल अनुक्रम के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरे तक जाने को सरल बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? आप माय कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट, सामान्यतः लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं, तो किससे करते हैं? सामान्यतः जो आपका रिसाइकल बिन है वो जो आइकन है वो किस पर होता है वो आपको यहाँ पर बताना है, तो किस पर होता है वो? डेस्कटॉप पर आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट, सभी डिलीटेड फाइल में जाती हैं, जितनी भी आपकी डिलीटेड फाइल होती है वो किस में जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है। ठीक है, नेक्स्ट,
रिसाइकल बिन में डिलीट किए गए आइटम तब को तब तक स्टोर किया जा सकता है जब तक कि जब आप रिसाइकल बिन में आपने कुछ भी डिलीट किया तो वो किस में जाएगा, रिसाइकल बिन में चला जाएगा। ठीक है, तो आप उसको कब तक स्टोर कर सकते हैं, वो रिसाइकल बिन में कब तक रहेगा, जब तक क्या नहीं कर देता यूजर उसको पूरी तरह से खाली नहीं कर देता, तब तक वो क्या रहेगा, रिसाइकल बिन में आपका स्टोर रहेगा। अगर आपको आपसे गलती से कोई फाइल डिलीट हो गई है तो आप रिसाइकल बिन में जाके उसको दोबारा से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टास्क बार होता है। टास्क बार कहाँ होता है, स्टार्ट मेन्यू पर, स्क्रीन के बॉटम पर, शॉर्टकट मेन्यू पर, प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में, या इनमें से कोई नहीं। तो टास्क बार कहाँ होता है, जब हम लोगों ने पढ़ा था उसके माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो हम लोगों ने जाना था कि कहाँ होता है टास्क बार, आपका स्क्रीन के बॉटम पर। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम की क्लॉक के बारे में निम्न में से कौन असत्य है, कौन सी बात यहाँ पर असत्य है यानी कि सत्य नहीं है वो आपको बताना है। यह टूल बार की विशेषता है। सिस्टम टाइम शोल्ड के साथ सिंक्रोनाइजिंग के द्वारा निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश कर सकता है। यह सिस्टम टाइम वर्तमान तारीख और दिन का समय है। सिस्टम टाइम को रखता है जिससे आपकी एप्लीकेशन सही समय पर एक्सेस के लिए तैयार हो जाए, या फिर सिस्टम समन्वित यूनिवर्सल टाइम के सिस्टम टाइम पर आधारित है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या ये टूल बार की विशेषता है, ये बात क्या है यहाँ पर असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नवीनतम वर्जन के किस बार में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न आइकन्स प्राप्त होते हैं, तो आपको पता होगा कि किस में होते हैं, ये स्टार्ट मेन्यू पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेल्प मेन्यू किस बटन के अंतर्गत उपस्थित होता है, जो हेल्प का मेन्यू होता है वो किस बटन के अंदर होता है, तो किसके होता है, स्टार्ट के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट डेस्कटॉप पर एक एप्लीकेशन को शॉर्टकट से खोलने के लिए आपको क्या करना है, अगर कोई डेस्कटॉप पे आपका कोई एप्लीकेशन है यानी कोई आइकन बना हुआ है और आपको इसको खोलना है तो आप क्या करेंगे, इस पर या तो डबल क्लिक करेंगे, या फिर आप राइट क्लिक करके ओपन का बटन होगा उसको आप दबाएंगे, या फिर आप आइकन को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन जो हुआ है वो क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। तो ये क्या है आपका, ये सभी। ठीक है, शॉर्टकट पर डबल क्लिक करें, राइट क्लिक करके ओपन विकल्प चुने, या आइकन सिलेक्ट करके, ये आइकन है ठीक है, आइकन सिलेक्ट करके एंटर बटन दबाएं तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका जो फोल्डर है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने हैं। और बाकी आपका अभी यहाँ पर हम लोग बहुत मतलब होता ना कि बेसिक लेवल लेकर चल रहे हैं, अभी आपका स्टैंडर्ड लेवल भी आने वाला है तो आपको वहाँ पर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो आपका दिमाग सर मतलब दिमाग दिल सर सब चकरा देंगे। ठीक है, आपको मजबूर कर देंगे सोचने के लिए, आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस आप लोग को मिलती रहें और आप लोग अपनी तैयारी को इसी तरीके से अच्छे से करते रहें। ठीक है, आप लोग का एग्जाम जल्द ही आने वाला है तो आप लोग तैयारी को मतलब अपनी स्पीड को क्या कर दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।